हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी होम कुक। मैं अरुणिमा और मैं आज शेयर करूंगी लेमन मिर्ची की अचार। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाने से आपका अचार साल भर तक चल सकता है और बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। अचार बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम लेमन लिया है और 100 ग्राम ग्रीन चिली। अब लेमन और मिर्ची को हमने धो लिया है अच्छे से। अब इसके बाहर जो एक्सेस वाटर रह जाएगा वो एक टॉवल से इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, नहीं तो ये एक्सेस वाटर आपका अचार को ख़राब कर सकता है। अब मिर्ची को भी अच्छे से पोंछ लेंगे। उसके पहले ऊपर का जो ये स्टिक वाला पोर्शन है उसको हम निकाल देंगे। उसके साइड में भी जो लगा होगा उसको भी अच्छे से निकाल लेंगे, नहीं तो आपका मिर्ची खराब हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से हर मिर्ची का स्टिक निकाल लेंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे। अब लेमन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं करना है, छोटा टुकड़ा होगा तो क्या होगा ना, मसाला अच्छे से उसमें बाइंड होगा। लेमन तो काट लिया, अब मिर्ची को भी हम छोटे छोटे में काट लेंगे। सारा मिर्ची और लेमन काट लिया, अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून सॉल्ट डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब इसको बंद करके रूम टेम्परेचर में ही एक दिन रख देंगे, धूप में नहीं रखना है। अब एक दिन बाद अब देख सकते हैं लेमन और मिर्ची से थोड़ा पानी निकला है। अब मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन, 1/4 टीस्पून मेथी एंड 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब इन सारे चीज़ों को हमने 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया, अब इसमें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून टर्मरिक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सॉल्ट मसालों में इसलिए डालना है क्योंकि मसालों में भी जो नमक है वो लेमन में अच्छे से मिक्स होगा। अब ये है, अब हम इस मिक्सचर को लेमन मिर्ची में डाल देंगे और एक बार मिला ले। एक बार मिलाने के बाद इसमें 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब देख सकते हैं मसाला लेमन मिर्ची में कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। आप एक कोई भी जार ले ले और अच्छे से उसको धो के गर्म पानी में स्टरलाइज कर ले
और पूछ ले अच्छे से कोई पानी ना रहे, आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अब इस अचार को आप 4 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आते हैं अगले वीडियो पर, तब तक बाय बाय।